जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पिरेशनल राइफलमैन औरंगजेब की, जिनसे हर एस्पिरेंट को सीख लेनी चाहिए। राइफलमैन औरंगजेब जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से थे। वो शामिल थे जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 4th बटालियन में। ये रेजिमेंट जानी जाती है अपने होनहार सोल्जर्स और उनके शौर्य के लिए। यूनिट में कुछ समय तक सर्व करने के बाद राइफलमैन औरंगजेब 44 RR बटालियन में सर्व करने के लिए चले गए। वहां उन्हें कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में सर्व करने का मौका मिला। 2018 के दौरान राइफलमैन औरंगजेब सर्व कर रहे थे 44 राष्ट्रीय राइफल बटालियन में, जिसका बेस कैंप है शोपियन डिस्ट्रिक्ट के शाडी मार्ग में। यूनिट यहाँ एंगेज थी कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में। राइफलमैन औरंगजेब भी कई ऑपरेशन में शामिल थे और वो मिलिटेंट्स की हिट लिस्ट में थे। यूनिट के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन में राइफलमैन औरंगजेब मेजर रोहित शुक्ला की टीम में थे, जब उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट समीर टाइगर को मार गिराया था। इस वारदात ने कई मिलिटेंट्स को आग बबूला कर दिया था और वो रिवेंज लेने के सही समय का इंतजार कर रहे थे। 14 June 2018 में राइफलमैन औरंगजेब एक प्राइवेट व्हीकल से ईद के लिए अपने घर जा रहे थे। रास्ते में मिलिटेंट्स ने उनकी गाड़ी को घेर औरंगजेब को अगवा कर लिया। फिर कुछ समय बाद कालमपोरा से 10 किलोमीटर दूर गुस्सू विलेज में राइफलमैन औरंगजेब की बॉडी मिली, जिसे मिलिटेंट्स ने गोलियों से छलनी कर दिया था। उन्हें उनके सर और गर्दन पर गोलियां लगी थी और शरीर के निशान ये बता रहे थे कि उन्हें टॉर्चर किया गया है। राइफलमैन औरंगजेब की बॉडी को 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर से उनके घर पर ले जाया गया और वहाँ उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए गए। औरंगजेब एक कमिटेड सोल्जर थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। राइफलमैन औरंगजेब के भाई मोहम्मद तारिक और मोहम्मद शब्बीर दोनों ने ही 2019 में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और आगे की जिंदगी नेशन सर्विस में लगाने का निश्चय किया। ये देखकर हमें ये समझ आता है कि देश का सिपाही और उसका परिवार कल की चिंता ना करते हुए अपना पूरा जीवन देश के नाम कर देते हैं, उसके लिए भले ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। और ये वही कर पाता है जिसके अंदर ये डेडिकेशन हो और करने की इच्छा। राइफलमैन औरंगजेब वॉज अ ब्रेव हार्ट ऑफ आर बिलावड मदरलैंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।